कासगंज जनपद में वायरल फीवर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कासगंज जिले में रहस्यमय बीमारी से मरने वालों की संख्या पहुंची 11। स्वास्थ्य विभाग को दावा अभी तक नहीं है जिले में डेंगू का मरीज। जिला अस्पताल में 25 चिकित्सकों के सापेक्ष मात्र 5 चिकित्सक। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किए संक्रमण वार्ड। वायरल फीवर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। फिरोजाबाद, मथुरा और रायबरेली के बाद अब कासगंज में भी वायरल बुखार की दस्तक हो रही है। वहीं वायरल बीमारी से जिले में आधा दर्जन बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। 11 मौतों के बाद जिले में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने इस रहस्यमय बीमारी को खोजने और इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिले में अभी तक कोई भी डेंगू का केस नहीं मिला है। वहीं चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी बताई है। जनपद कासगंज में आज सुबह से ही 100 शेष जिला अस्पताल में बीमारियों के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जनरल ओपीडी में 740 मरीजों को देखा गया। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर चैम्बरों में मरीजों की लाइन लगी है, जिसमें से लगभग 85% मरीज बुखार, खांसी, जुकाम व टाइफाइड जैसे लक्षणों वाले आ रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू संक्रमण वार्ड तैयार किए गए, ताकि समय रहते इस बीमारी से निपटा जा सके। वहीं जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता आनंद कुमार ने दावा किया है कि अभी तक जिले में एक भी डेंगू का मरीज नहीं मिला है। लगातार जाँच की जा रही है। 600 से 700 तक मरीजों को जिला अस्पताल में देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 25 चिकित्सकों के सापेक्ष में मात्र 5 में से 5 चिकित्सक हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों की कमी खलती है। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया, उनके ब्लड के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, स्लाइड्स बनवाई जा रही है। हमारे जनपद में इवन डेंगू का भी जाँच की पूरी व्यवस्था है, जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सभी CHCs में जो हमारे बेड्स रिजर्व थे कोविड के लिए, उन्हें भी रिजर्व रखा गया और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा सभी नगर पालिकाओं में साफ सफाई तक रखने के लिए, सभी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई कराने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जिला CMO कार्यालय में एक कंट्रोल रूम खोला गया है। ऑलरेडी उनके तीनों नंबर सब जो कोविड में ICCC के नंबर्स थे वो सारे नंबर एक्टिव कर दिए गए हैं। इसमें कोई कुछ बताना चाहे, कोई सूचना देना चाहे तो उन नंबरों पर दे दें, और हमारा भी नंबर है जिसमें हमको भी लोग सूचित कर देंगे, तब समय कार्रवाई कराई जाएगी। ये बीमारी घरों के आसपास गंदगी से, जल जमाव से, मच्छरों के काटने से होता है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि अपने घरों के आसपास, अपने कार्यालय के आसपास गंदगी ना रहने दें, कहीं जल जमाव ना होने दें, और कहीं नाली वगैरह है तो उसमें मिट्टी का तेल या जला हुआ मतलब मोबिल ऑयल आदि का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा रात में अगर बाहर सोते हैं तो बाहर ना सोएं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सोना ज़रूरी है तो मच्छरदानी लगा करके ही सोएं। और कहीं भी कोई समस्या आवे, कोई बात होती है तो तत्काल अपने PHC CHC पर नहीं जाए, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज ना करवाएं। और जो मतलब हमारे मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं या ऐसे डॉक्टर हैं, उन्हीं से दवाई लें और छुपाएं ना, डरें ना। ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, घबराएं ना। तत्काल अगर फीवर आता है तो अपने आप दवाई ना लें कि हम एक दो दिन घर में दवाई ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे। तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, और सभी डॉक्टरों को बता दिया गया सभी जगह पर प्रॉपर दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और ये केवल जागरूकता से ये इससे हम लोग निजात पा लेंगे। और अभी पूरे जनपद में स्थिति नियंत्रण में है, कोई समस्या नहीं है। फिर भी आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, कहीं आपके बात में संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो तत्काल हमारे और स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में लाएं। हम और आप सभी मिल करके जनपद के अपने सभी नागरिकों को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर कंसल्टेंट, जिला अस्पताल। अगर जिला स्तर की बात करें तो इस वक्त वायरल फीवर का पूरे प्रदेश में मरीज निकल रहे हैं। कासगंज जनपद की बात करें तो प्रतिदिन जिला स्तर में कितने मरीज आ रहे हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी कासगंज जनपद में कोई ऐसा खास प्रकोप नहीं है। बुखार के रोगी हैं तो सीजनल बुखार है, वायरल फीवर है, ये तो है ही है। और हमारे जिला चिकित्सालय में सारे इंतजाम है। चिकित्सकों की बहुत कमी है, वास्तव में 25 के सापेक्ष केवल 5 डॉक्टर सन है, इसमें सभी सीनियर से जूनियर डॉक्टर हमारे पास कोई है ही नहीं। फिर भी सीमित संसाधनों में हम पूरा प्रयास करें कि जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध करा सकें।